आज हम बनाएंगे एक सुपर टेस्टी मसाला मैगी रेसिपी जो बिल्कुल स्टिकी नहीं है और सिंपल भी है, इंस्टेंट बन जाता है। इसे फेमस बैचलर मील भी बोल सकते हैं आप। इसे आज हम स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे, तो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। एक पैन को गरम करके 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल गरम होने पर डालेंगे एक बड़ा साइज प्याज को चॉप्ड करके लिए है, डाल देते हैं। प्याज को कुछ सेकंड चलाएंगे। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने पर डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च को भी चॉप्ड करके डाल देते हैं। कलर के लिए डालेंगे 1 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच ब्लैक पेपर को क्रश करके लिए है, इसे भी डाल देते हैं। काली मिर्च और कश्मीरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैगी के अंदर रहने वाले मैगी मसाला को निकाल लेंगे और ऐसे ही 2 सैचेट हम यूज करेंगे मैगी मसाला का। अच्छे से दोनों पैकेट को डाल देंगे। आप आपके पसंद का कोई भी मैगी नूडल्स यूज कर सकते हैं, टॉप रमन, यूपी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने 3 पैकेट लिए हैं, तीनों को डाल देते हैं। हमने 3 पैकेट मैगी नूडल्स लिए हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे पानी, नॉर्मल पानी डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी बिल्कुल ही मैगी के ऊपर नहीं आएगा। इस तरह से आप मैगी को बनाएंगे तो बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा। मीडियम फ्लेम में इसे हम पकाएंगे। मैगी को धीरे धीरे खोल देते हैं। मैगी को हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। हमने इसे तोड़ा नहीं है, हमें लंबे लंबे थ्रेड जैसा मैगी ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी थ्रेड जैसा मैगी अच्छा लगता है तो इसे ना तोड़ें। अभी इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच चाट मसाला और डालेंगे नमक 1 छोटे चम्मच। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालें। मैगी को थोड़ा एक टोंग से हम पलट देते हैं दूसरे साइड में। करछी को यूज नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। इस तरह का टोंग से आप पलट देंगे तो मैगी टूटेगा भी नहीं। अब देख सकते हैं हमने कितने कम पानी डाला था, लेकिन इसी में ये बॉयल हो रहा है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हम इसे बिना ढक्कन लगा के ही पकाएंगे, ढक्कन को नहीं लगाएंगे। पानी भी बहुत कम हो गया है, अभी इसे और एक बार चलाएंगे। अगर आपको सूप जैसा मैगी पसंद है तो पानी को वैसे ही रखने दें, लेकिन हम इसे थोड़ा ड्राई टाइप में बनाएंगे। अब देख सकते हैं पूरे पानी सूख गए हैं। अभी इसमें हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स 1 बड़े चम्मच। चिली फ्लेक्स को अच्छे से नूडल्स में मिक्स कर लेंगे। हमारा मैगी रेडी हो गया है, अभी इसे हम सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। अब देख सकते हैं बिल्कुल थ्रेड जैसा नूडल्स रह गया है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसे आप कैरी भी कर सकते हैं ट्रेवलिंग के टाइम में, स्नैक्स में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। ऊपर से थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा डालेंगे ब्लैक पेपर को क्रश करके। गरमा गरम मैगी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
अगर आपको हमारे ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रावणीज किचन को, जिसका स्पेलिंग है SHRAVANI श्रावणीज किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी।